हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 9, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी, राइट। इसके पहले ऑलरेडी हमने फर्म एलएलपी का ऑडिट कैसे किया जाएगा, देन लोकल बॉडीज का ऑडिट कैसे किया जाएगा, फिर एनजीओ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट और सोसाइटीज का ऑडिट कैसे किया जाएगा और गवर्नमेंट ऑडिट कैसे किया जाएगा, वो हमने समझ लिया है। होपफुली वो सारे ही वीडियोज आपने देख लिए होंगे, राइट। आपने अगर गवर्नमेंट ऑडिट जो पार्ट 4 था वो अच्छे से समझा है, तभी ये केस स्टडी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो केस स्टडी है वो टोटली गवर्नमेंट ऑडिट से जुड़ा हुआ है। या फिर आपने गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में मॉड्यूल में से पढ़ लिया तो भी ये केस स्टडी आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो या वीडियो देख लीजिए या फिर पूरा पढ़ लीजिए, फिर ही इस केस स्टडी को देखिएगा, तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो चलिए समझते हैं केस स्टडी जो दिया हुआ है आपको पेज नंबर 9.80 पर। कंसिडर द फॉलोइंग 5 डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हमें कुछ 5 डिस्क्रिप्शन दे रखे, उनको हमें कंसिडर करके एमसीक्यूज के आंसर देने हैं। ऑडिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वॉज कंडक्टेड बाई द CNAG ऑफ इंडिया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, नागपुर में जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसके लिए CNAG ने ऑडिट किया था। Following is extract of few audit findings placed on website of cag.gov.in। तो उस ऑडिट के बारे में CAG के जो ऑडिट फाइंडिंग्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं, उनके वेबसाइट पर अवेलेबल थे, तो उनका एक्सट्रैक्ट है। द लोकेशन ऑफ न्यू एयरपोर्ट स्टेशन वॉज नॉट आइडियल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ राइडरशिप ड्यू टू स्पार्स पॉपुलेशन इन एंड अराउंड द स्टेशन एंड ऑल्सो फ्रॉम द एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। जो न्यू एयरपोर्ट स्टेशन है नागपुर में, जहां पर भी एयरपोर्ट होगा वहां पर मेट्रो स्टेशन बनने वाला होगा, तो वो जो स्टेशन है वो क्या है, राइडरशिप, मतलब कि वहां पर जो पैसेंजर्स आने के चांसेस है वो कंपैरेटिवली कम है। क्यों? स्पार्स मतलब कि कम पॉपुलेशन है वहां पर, बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वो पॉपुलेटेड एरिया नहीं है। और दूसरी क्या प्रॉब्लम है कि वहां पर जो एक्सेसिबिलिटी है, राइट, एक्सेसिबिलिटी भी कम है, मतलब आसपास कोई इतने नहीं रहते होंगे, ना ही इतनी इंडस्ट्रीज होगी कि वहां से लोग उसका जो स्टेशन का फ्रीक्वेंट यूज कर पाए। कोटन मार्केट स्टेशन, द सेकंड एडिशनल स्टेशन वॉज प्रोजेक्टेड टू हैव हाई पिक डायरेक्शन ट्रिप्स, बट द वर्क वॉज केप्ट ऑन होल्ड मिड वे साइटिंग फंड क्रंच ड्यू टू नॉन रिलीज ऑफ पेंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। हाउएवर द सिचुएशन कुड हैव बीन मैनेज्ड थ्रू प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क। बट जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेशन है वो है कोटन मार्केट स्टेशन, जहां पर पिक आवर्स में बहुत ही ज्यादा रश हो सकता है, राइट। बट उनका जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो था वो मिडवे बंद हो चुका है, अभी सीज हो चुका है थोड़े टाइम के लिए, राइट, क्योंकि फंड अवेलेबल नहीं है, बट उनको प्रायोरिटी बेसिस पर वो कंसिडर किया जाएगा और उनका वर्क जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर सेकंड सिनेरियो, सेकंड पॉइंट हमें दिया है, अनदर सेट ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अ होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन ऑफ पावर जनरेशन प्लांट्स इन स्टेट ऑफ हरियाणा इज एज अंडर। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है, राइट। तो उनका भी CNAG ने ऑडिट किया होगा, तो उसके बारे में भी कुछ पॉइंट दिए गया है। द मेन रीजन फॉर लो जनरेशन वॉज हायर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन विच रिजल्टेड इन बैकिंग डाउन ऑफ प्लांट्स। जो इतना जनरेशन पावर का जितना होना चाहिए वो उतना नहीं हो रहा है, उसका रीजन क्या है कि हाई वेरिएबल कॉस्ट है थर्मल पावर स्टेशन के, और उसी वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, मतलब इतना इफेक्टिवली काम नहीं हो पा रहा है और जो पावर जनरेशन है वो कम हो रहा है। रिपोर्ट वॉज टेबल्ड इन पार्लियामेंट हाईलाइटिंग मेन फीचर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री एज मैंडेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस रिपोर्ट प्राइमरीली डिस्कस्ड कंप्लायंस टू द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड दैट एसोसिएटेड रूल्स एंड प्रोसीजर्स एटसेट्रा एज अप्लाइड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग इररेगुलरिटीज नोटिस्ड इन फाइनलाइजिंग असेसमेंट एटसेट्रा। जो डायरेक्ट टैक्सेस है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, राइट, उनके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में सबमिट किया गया है। रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स में या फिर और कोई इररेगुलरिटीज मिली है असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह में, तो वो सारी चीजें उस रिपोर्ट में मेंशन की गई थी। फोर्थ पॉइंट है, रेड्यूल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। द ऑडिट ऑफ द कंपनी इज कंडक्टेड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय CNAG ऑफ इंडिया। रेड्यूल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो गवर्नमेंट कंपनी है,
राइट, और जो सी एंड ए जी है उन्होंने स्टेचुटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की है एज पर सेक्शन 139। फिर लास्ट है भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज अ जनरल इंश्योरेंस गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, द स्टेचुटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द सी एंड ए जी ऑफ इंडिया। भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है वो भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, उसमें भी सी एंड ए जी ने ऑडिटर को अपॉइंट किया है। एनुअल रिपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर ऑल्सो कंटेन्स कमेंट्स ऑफ स्टेचुटरी ऑडिटर्स ऑन मैटर्स सच एज वेदर द कंपनी हैज कैरिड आउट रिकंसिलिएशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इंटर कंपनी बैलेंसेस विद अदर गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज। और ये रिपोर्ट में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है रिकंसिलिएशन जो था राइट, कि जो करना था इंटर कंपनी बैलेंसेज विथ अदर गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज, दूसरी जो इंश्योरेंस कंपनीज है जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप है तो उनके साथ जो भी बैलेंसेज है उनके साथ जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनका रिकंसिलिएशन भी दिखाया गया है, उसके ऊपर भी कमेंट्स ऑडिटर ने किया हुआ है स्पेसिफिकली। बेस्ड ऑन दिस सिनारियो यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए हैं। पहला है बेस्ड अपॉन प्लेन रीडिंग ऑफ ऑडिट फाइंडिंग स्टेटेड एट पेरा ए आइडेंटिफाई टाइप ऑफ ऑडिट कैरिड आउट बाय ऑफिस ऑफ द सी एंड ए जी ऑफ इंडिया। जो सबसे पहला पेरा था नागपुर मेट्रो रेल स्टेशन वाला था राइट, कि जिसमें एक स्टेशन जो न्यू एयरपोर्ट स्टेशन है वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होगी, शायद पैसेंजर्स इतने नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन और एक्सेसिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। और जो दूसरा स्टेशन कॉटन मार्केट स्टेशन है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस है पैसेंजर आने के पीक आवर्स के अंदर, बट उनका काम है वो सीज कर दिया, रोक दिया गया है क्योंकि वहाँ पर फंड अवेलेबल नहीं है उसके लिए, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए राइट। बट हाँ, अब प्रोसीजर जल्दी ही मैनेज कर दी जाएगी और काम स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी उन्होंने हाईलाइट किया है। तो ये किस टाइप का ऑडिट है यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, क्या फंड्स जो भी यूज किए हैं वो जो प्रोविजन किए थे उसी हिसाब से किए हैं उसके लिए ऑडिट है। प्रोप्राइटी ऑडिट है कि जो भी फंड यूटिलाइज किया है वो अगर जरूरत थी या नहीं उसके बेसिस पर कंसिडर किया है या नहीं। परफॉर्मेंस ऑडिट है कि ऑडिट किया है वो इकोनॉमी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी को सोचकर कि वो जो भी वर्क है जो भी एक्टिविटीज है वो इकोनॉमिक इफिशियंट एंड इफेक्टिव है या नहीं उनको कंसिडर किया है। या फिर कंप्लायंस ऑडिट है, जो भी कंप्लायंस रूल्स रेगुलेशंस थे उनका फॉलोअप किया है या नहीं उसके बारे में ऑडिट है। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, सी परफॉर्मेंस ऑडिट है, क्योंकि यहाँ पर फंड के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है कि फंड कहाँ पर यूटिलाइज किए हैं या फिर किस तरह से किए हैं, किस तरह से करने चाहिए थे उसमें प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या चीज़ है, एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस की बात हम कर सकते हैं कि एक जगह पर जो स्टेशन बनाया वो इतना हेल्पफुल नहीं हो सकता, उसमें से इतने फंड रेज नहीं हो पाएंगे राइट। और दूसरी जगह पर जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर ज़्यादा पैसेंजर्स आने के चांसेस है, ज़्यादा इनकम होने के चांसेस है, वहाँ पर स्टेशन का काम रुक गया है तो उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर उसमें डिले होगा तो इनकम में भी डिले हो सकता है। तो वो जो है वो परफॉर्मेंस ऑडिट है, जो एक्टिविटी जो है ऑपरेशंस है वो प्रॉपरली नहीं हुए हैं उसके बारे में ये फाइंडिंग्स है, तो उसे परफॉर्मेंस ऑडिट कहा जाएगा। वहाँ पर फंड इनकम फाइनेंसेस के बारे में सोचकर नहीं बताया है, उसके बारे में ऑडिट फाइंडिंग्स नहीं दिए गए हैं, वहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में फाइंडिंग्स दिए हैं, तो इसलिए वो परफॉर्मेंस ऑडिट बन जाएगा, सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन, कीपिंग इन व्यू ऑडिट फाइंडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ ऑडिट कैरिड आउट। जो हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी के बारे में जो फाइंडिंग था कि वहाँ पर हाई वेरिएबल कॉस्ट के रीजन से लोअर जनरेशन ऑफ पावर हो रहा है राइट, तो ये किस टाइप का ऑडिट है, ऑडिट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी राइट, क्या वो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट है। ऑडिट ऑफ अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, जो रूल्स ऑर्डर्स है उसी हिसाब से एक्सपेंडिचर हो रहा है या नहीं, जो एक्सपेंडिचर ऑडिट में कवरअप होता था क्या वो है। कंप्लायंस ऑडिट, जो कंप्लायंस करने की जरूरत थी राइट, जो भी रूल्स रेगुलेशन है लो एप्लीकेबल है उनका ऑडिट हुआ है या नहीं वो कंसिडर किया जाएगा। या परफॉर्मेंस ऑडिट, जो परफॉर्मेंस है एफिशियंसी इफेक्टिवनेस इकोनॉमिक उस कंडीशन के बारे में चेक किया गया है, तो यहाँ पर भी आंसर आएगा परफॉर्मेंस ऑडिट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जो पावर जनरेशन है वो ऑपरेशंस की बात है तो वो ऑपरेशन इफेक्टिव है या नहीं, एफिशिएंट है या नहीं उसके बारे में देख रहे हैं, उसके बारे में ये ऑडिट फाइंडिंग है। आपको ये भी लगेगा कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट क्यों नहीं है, वो है तो क्या पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो वो भी तो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी राइट। पर यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिट किया जाता है उसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर है या नहीं उसके ऊपर ओपिनियन दिया जाता है राइट। यहाँ पर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं है, यहाँ पर जो पावर जनरेशन है उसके बारे में है कि पावर जनरेशन है वो कम हो रहा है ड्यू टू द हायर वेरिएबल कॉस्ट,
तो वो तो परफॉर्मेंस हो जाएगा, वो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट नहीं है, उसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से वो परफॉर्मेंस ऑडिट बन जाएगा। ना ये रूल्स एंड ऑर्डर्स की रिक्वायरमेंट है, ना ही कंप्लायंस ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। सिंपल आंसर आएगा परफॉर्मेंस ऑडिट। होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट? अगर कुछ भी डाउट है तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। Which of the following is the most appropriate statement in context of report tabled in Parliament regarding administration of direct taxes? Direct taxes के बारे में जो audit report दिया गया है, Parliament में submit किया गया, उसमें नीचे में से कौन सा सबसे appropriate statement है? It is likely to be report prepared for submission to the President under Article 151 of the Constitution of India by the C&AG. आर्टिकल 151 में जो प्रेसिडेंट को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, सी एंड एजी की, उसी हिसाब से वो रिपोर्ट दिया गया है। इट इज लाइकली टू बी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फॉर सबमिशन टू द प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इंडिपेंडेंट टास्क फोर्स ऑफ एक्सपर्ट्स। इंडिपेंडेंट टास्क फोर्स ऑफ एक्सपर्ट्स से उनके द्वारा जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देने की जरूरत है वो है नहीं ना, वो सी एंड एजी तो है, वो तो हमें पता है, इसीलिए यहाँ पर ये तो गलत ही है और प्रेसिडेंट के बारे में ही दिया था ये, तो मतलब कि ऑप्शन बी तो नहीं आएगा। इट इज लाइकली टू बी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फॉर सबमिशन टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑडिट में कहीं पर भी नहीं दिया, जो ऑडिट का काम है वो सी एंड एजी का ही रहेगा, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। It is likely to be report prepared for submission to the Prime Minister under Article 151 of the Constitution of India by CBDT. CBDT के बारे में भी नहीं है और Prime Minister को report करने के भी responsibility नहीं है, President की ही है, इसीलिए answer आएगा A, right? President को दिया जाएगा report और जो C&AG ने audit किया है उसके हिसाब से, तो ये Article 151 में वो दिया गया है, right? ये articles इतने important नहीं है, याद रखना। चलिए, Who is empowered to conduct supplementary audit in case of Radial Finance Corporation Limited, a government company? Radial Finance Corporation Limited जो government company है, उनका audit, उनका supplementary audit है, वो कौन करवा सकता है? Central government, another independent auditor appointed by C&G, CAG, another independent auditor appointed by Ministry of Corporate Affairs. यहाँ पर answer आएगा CAG, CAG है, वो करवा सकते हैं, उनको अगर पावर उनके पास सीएजी के पास, वो अगर दूसरे किसी के पास भी करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, बट पावर किसके पास है? सीएनडीजी के पास। एज रिगार्ड्स कमेंट्स ऑफ ऑडिटर स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अबो इंश्योरेंस कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। तो भारत इंश्योरेंस कंपनी के बारे में दिया था कि वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, तो उनके रिपोर्ट में स्पेसिफिकली ऐसा मेंशन किया था कि रिकंसिलिएशन भी है, जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस बैलेंसेस है जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट, उनके साथ जो ट्रांजैक्शन है उनका रिकंसिलिएशन भी दिया गया है, उसके बारे में भी कमेंट स्पेसिफिकली किया गया, और उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो सीएनडीजी ने की थी। तो उसमें इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या है? Such are likely to be comments of test audit carried out by CAG. CAG है, उन्होंने जो test audit किया उसके बारे में वो comment थी. Such are likely to be comments in respect of directions to statutory auditor by CAG for reporting on specific aspect of their audit work. ये specifically C&AG ने उस auditor को बताया था कि भाई आप ये जो चीज़ है, ये matter है, उसके ऊपर अपने comment दीजिए. उस हिसाब से वो काम किया है, उस हिसाब से direction दी थी, उस हिसाब से वो काम किया है और उसके ऊपर comment दिया गया है. Such are likely to be comments of supplementary audit carried out by C&AG. वो शायद supplementary audit जो C&AG ने करवाया होगा उनकी comment होगी. And last option है, such are likely to comments of statutory auditors in accordance with requirement of standard zone auditing. शायद वो SS की requirement होगी और उसी हिसाब से auditor ने comment किया होगा. Right? तो यहाँ पर answer आएगा B. ये directions government company है तो उसमें C&AG ने directions दी हो सकती है कि भाई आप इस तरह से काम कीजिए, ये चीज भी आप स्पेसिफिकली देखिएगा और इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, राइट, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन बैलेंसेस है उनको भी चेक किया जाए, राइट, ना ही रूल्स रेगुलेशंस कहीं और जगह पर दिया है, बट ये सीएनएजी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हो सकता है, डायरेक्शन दी हो सकती है कि भाई ऑडिटर आप ये भी चेक कीजिएगा और उसके ऊपर अपनी कमेंट दीजिएगा, तो उस हिसाब से वो काम किया हो सकता है, इसीलिए आंसर आएगा बी। सिंपल, होप आपको ये पूरा केस स्टडी समझ में आ गया होगा, सिंपल था, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरियस टाइप्स की एंटिटीज का जो ऑडिट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, क्लब,
राइट, वो पांच छह आइटम्स है वो कवर अप करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल.